हेलो एवरीवन दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स बुक में से पहले दो वीडियोस में हमने बहुत सारी नई बातें जानी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इस किताब में सीखने के लिए तो वैसे और भी बहुत कुछ है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ बंटी धीमान और आज इस वीडियो में हम इसी किताब की कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि ये किताब पूरी लाइफ को चेंज करने का दम रखती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना, एक सक्सेसफुली लाइफ जीना, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा कंप्लीट ध्यान से देखना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स बुक कहती है कि बेशक धीरे चलें लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। देखिए, जेरी उल्समैन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फिल्म फोटोग्राफी के एक प्रोफेसर थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप का नाम दे दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वह जितनी ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करेंगे उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेड मिलेंगे, और दूसरे ग्रुप को सिर्फ सबसे अच्छी एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहा गया और उस फोटो की क्वालिटी के बेसिस पर उनके ग्रेड्स मिलेंगे। फैशन के लास्ट में वह यह देखकर हैरान रह गए कि सबसे अच्छी फ़ोटोज़ पहले ग्रुप ने ली थी। पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स अपनी फ़ोटोज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते गए, लाइटिंग, लोकेशन और सीनरी को बेहतर करते गए, जिससे उनकी स्किल में हर बार पहले से कुछ बेहतर रिजल्ट्स आते थे, कुछ बेहतर हो गई उनकी स्किल। तो वहीं दूसरा ग्रुप जो सिर्फ एक अच्छी फ़ोटो लेने के लिए ही बैठा रहा, इसलिए उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। दोस्तों, लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सबसे अच्छे सॉल्यूशन को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेज़ी से वजन कम करने का आइडिया, मसल्स बढ़ाने का सबसे अच्छा प्रोग्राम, साइड बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा ऑप्शन। हम सबसे अच्छी ऑप्शन पर इतना सारा ध्यान दे देते हैं कि हम कभी भी इस पर काम ही नहीं कर पाते। मोशन में होना और रियल में एक्शंस लेने में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि जब आप कुछ लिखने के लिए सोचते हैं तो ये बस एक मोशन है। अगर आप पेन और पेपर उठाकर लिखने बैठते हैं तब असल में यह एक एक्शन होता है। लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन उसके लिए वो एक्शंस नहीं लेते। ज़्यादातर लोग कुछ करने से पहले ही लोग हर तरह की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए स्टडीज़ करते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ लेते हैं और एक परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वह कभी भी एक्शंस ही नहीं लेते। तो एक्शंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे तब तक आपका वो प्लान सक्सेस ही नहीं होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वह एक टाइम पर बहुत छोटी थी, और आज वह इतनी बड़ी ब्रांड्स बन गई हैं, इतनी बड़ी कंपनी बन गई हैं। तो आप भी ऐसा ना सोचें, कुछ करने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स में एक्शन लें और कुछ करने की कोशिश ज़रूर करें। ये अपने आप परफेक्ट बनता चला जाएगा टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट है लीस्ट एफर्ट्स का नियम। दोस्तों, हमारा दिमाग ऐसा डिज़ाइन है कि हम आसान चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं और हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से हमेशा पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा एनर्जी लगती है हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करते ही नहीं हैं, या फिर करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप्स करने का गोल बनाते हैं, तो आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू इसे नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप हर दिन बस 20 पुशअप्स करने का गोल बनाते हैं तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसे कंटिन्यू रख पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने ही आलसी हैं तो दुनिया में इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको यह इंश्योर करना होता है कि अपने सबसे बुरे दिनों में भी आप अपने लिए अपने काम को करना जारी रखेंगे और जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किलों को कम करेंगे। यहाँ आइडिया ये नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि ये है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना दें। नेक्स्ट है टाल मटोल दूर करने का 2 मिनट रूल। दोस्तों, हम लोग हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई भी काम लगातार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप 2 मिनट रूल को अपना सकते हैं।
इस नियम से टाल मटोल को दूर कर सकते हैं। ये नियम कहता है कि जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है तो पूरी किताब ख़त्म करने की ना सोचें, बल्कि ये कहिए कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। एक्सरसाइज का मन ना हो तो ब्रेन को बोलो चलो 2 मिनट कर लेते हैं। 3 किलोमीटर तक दौड़ने की बजाय सिर्फ अपने रनिंग शूज़ पहने। कोई भी है हैबिट बेकार है जब तक आप उसे महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए करेंगे और बाकी 29 दिन उसे छोड़ देंगे। जितना हो सके किसी भी हैबिट को उतना अट्रैक्टिव और इजी बनाने के लिए कोशिश करें। 2 मिनट रूल कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है, आपको लगे कि आप खुद को एक बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने की इच्छा नहीं रखता। दरअसल यह किसी भी हैबिट को शुरू करने और डेवलप करने का बस एक टूल है। शुरू में यह कोशिश करें कि कोई भी चीज़ बस 2 मिनट के लिए करें और आप फिर देखेंगे कि आप उसे करते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। दोस्तों हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है। जैसे जानवर शिकार करते हैं तो उन्हें खाना तुरंत मिल जाता है, उन्हें अपने एक्शंस का गारंटेड रिजल्ट मिलता है। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमारा दिमाग अभी तक डिले रिजल्ट को एंजॉय करने के लिए इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। लेकिन आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और डिले ग्रेटिफिकेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है जैसे कि आप कोई काम करें तुरंत अपने आप को कोई अच्छा सा रिवॉर्ड दें। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पसंद के शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। नेक्स्ट है हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। दोस्तों यदि आप अपनी हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको उस हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या फिर कोई आदत छोड़ रहे हैं तो क्या आप यह रोज़ाना कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए और जिस दिन टास्क ख़त्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बना दें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नज़र रखना अपने आप में ही एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी आदतों पर नज़र रख सकते हैं। यह वाकई में काम करती है क्योंकि मैंने इसको खुद ट्राई किया था। तो दोस्तों यह थी एटॉमिक हैबिट्स बुक में से ली गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम सभी को पता होनी चाहिए। वैसे इस किताब में सीखने के लिए बहुत कुछ अभी भी है। मैं चाहता हूँ आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। दोस्तों मेरे इस छोटे से प्रयास से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह से काम करता रहूं। आप कमेंट करके बता सकते हैं आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उन्हें भी सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए क्योंकि इसके बिना नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। इस वीडियो को अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। मैं जल्दी अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।